गाइस वेलकम टू माय चैनल जय श्री कृष्ण राधे राधे। कैसी हो आप सब, आई हो कि सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो दोस्तों, आज मैं उन महिलाओं के लिए एक ऐसी वीडियो लेके आई हूँ जो महिलाएं हमेशा सोचती हैं कि उनके पास मेकअप प्रोडक्ट नहीं है और समय भी नहीं है। तो दोस्तों, कम से कम मेकअप प्रोडक्ट में और कम से कम समय में इस टाइप के लुक क्रिएट करने का आसान तरीका मैं लेके आ गई हूँ। तो दोस्तों, अगर आप लोग को ये लुक पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों को भी कम से कम मेकअप प्रोडक्ट में और कम से कम समय में मेकअप लुक क्रिएट करने का आसान तरीका और आसान हो जाए। तो दोस्तों, अगर आप लोग जानना चाह रहे होंगे कि मैंने इस लुक को कैसे क्रिएट किया है इतना कम मेकअप प्रोडक्ट में, तो दोस्तों ज़्यादा बातें ना करते हुए चलिए मैं फटाफट से आप लोग को बताती हूँ। तो देख सकते हैं आप लोग, मैंने यहाँ फेस को अच्छे से वॉश कर लिया है। फॉमिंग एंड फेस वॉश मैं यूज़ करती हूँ। उसके बाद से कोई भी क्रीम पाउडर लगाने से पहले टोनर प्राइमर की ज़रूरत है, पर वो चीज़ नहीं है तो मैं यहाँ रोज़ वाटर यूज़ कर रही हूँ जो प्राइमर टोनर का ही काम करता है, तो बहुत ही अच्छा वर्क करता है। देख सकते हैं आप लोग, मैंने पूरे फेस पर लगा लिया। एक दो मिनट के लिए मैं छोड़ दे रही हूँ सूखने के लिए, और जैसे ही सूखेगा मैं क्रीम यहाँ पर फेयर लवली यूज़ कर रही हूँ। तो आप लोग को ध्यान जाएगा कि दी इतना छोटा छोटा मेकअप पाउडर, तो क्वालिटी एक ही होती है, क्वांटिटी में अंतर। में एक्सपायर होने की वजह से बहुत बड़ा बड़ा नहीं लेती हूँ क्योंकि हमेशा चेंज करना रहता है, इसलिए मैं लेती हूँ। एक्सपायर भी हो जाए और यूज भी हो जाए तो कोई बात नहीं, फिर ले लिया जाएगा। उसके बाद से देख सकते हैं मैंने एक ब्लेंडर की सहायता से इसको अच्छे से फेस पर लगा लिया है। हाउसवाइफ सोचती हैं कि मेकअप प्रोडक्ट नहीं है तो अच्छा सा लुक कैसे क्रिएट करें, लेकिन नहीं, आप कम से कम मेकअप प्रोडक्ट में और कम से कम समय में कम से कम बजट में आप इस टाइप के लुक क्रिएट कर सकते हैं। देखने में आई होप कि आप सबको पसंद आ रहा होगा, मैंने किया है। उसके बाद से मेरा वाइट टोन पाउडर मैं एक हमेशा डब्बा में रखती हूँ, और यहाँ एक ब्रश रखी हूँ उसके सहायता से मैं अच्छे से लगा ले रही हूँ पूरे फेस पे। तो देख सकते हैं रिजल्ट आपके सामने है। तो अब घरेलू महिलाएं को भी नहीं सोचना है कि मेकअप प्रोडक्ट नहीं है तो मेकअप मैं कैसे करूं। उसके बाद से मैं यहाँ मेबेलिन का एक आईब्रो पेंसिल तो रखना ही चाहिए आप लोगों के पास, मैं इसको अच्छा से सेट कर ले रही हूँ। थोड़ा सा मेरे मेहंदी की जगह पे एक छोटा सा पिंपल निकल गया है, उसको ऐड करना बिना कंसीलर के नहीं होगा, पर जिनके पास नहीं है वो क्या करेगा, तो मैं ऐसे ही छोड़ दे रही हूँ, ठीक हो जाएगा एक दो दिन में। उसके बाद से मैं यहाँ आईब्रो जो है सेट कर ली एक ब्रश की सहायता से, मुझे लगा ओवर हो जाएगा। और ये रहा ब्लू हेवन का काजल, देख सकते हैं आप लोग 10 से 15 के अंदर में आपको मिल जाता है, इतना अच्छा वर्क करता है आईलाइनर की तरह। इसका नुक जो है बहुत ही पतला रहता है, आईलाइनर का भी काम करता है। उसके बाद से मैं वैसलिन थोड़ा सा अपने होंठ पे लगा ली। उसके बाद से किसमिस लिपस्टिक है ऑरेंज कलर का, मैं हल्का सा लगा ले रही हूँ, जिसको लगाने के बाद से होंठ मतलब बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग है। ये वाटर प्रूफ तो नहीं बोलेंगे इसको, लेकिन बहुत ही अच्छा वर्क करता है, होंठ पे सॉफ्ट सॉफ्ट रहता है एकदम से। उसके बाद से मैं यहाँ इसी से आई शैडो इसी कलर का लगा लूँगी, जिसको लगाने के बाद से आईज का लुक एकदम से चेंज हो गया, देख सकते हैं आप लोग। उसके बाद से मैं यहाँ ब्लैक कलर का छोटा सा बिंदी लगा ले रही हूँ, और टनटनाटन मैं एक इयर रिंग पहन लूँगी। तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग मेरा फाइनल लुक, कम से कम मेकअप प्रोडक्ट में और कम से कम समय में 2 से 3 मिनट लगा और एक अच्छा सा लुक क्रिएट हो गया। और आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप लोग पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा, और चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय दोस्तों।